हाय हेलो दोस्तों, वेलकम है आज के हमारे इस वीडियो में। क्या आपको पता है 30 के बाद व्यक्ति सिंगल क्यों रह जाता है? नहीं पता ना? हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आखिर 30 या 40 के बाद भी लोग सिंगल ही क्यों रहते हैं। हालांकि एक स्टडीज में ये पता चला है, जो व्यक्ति 30 या 40 के बाद सिंगल रहता है, या तो वो ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान होता है, या तो वो प्यार से हिचकिचाता है। और जब हमने इस बात पे फोकस किया कि जो व्यक्ति समझदार और बुद्धिमान होता है उन्हें क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है प्यार पाने के लिए, सो चलिए आज हम आपको बताते हैं आखिर 30 के बाद व्यक्ति सिंगल क्यों रहता है और उन्हें कभी किसी इंसान में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है, या 30 के बाद उन्हें कभी अपना मनचाहा हमसफर क्यों नहीं मिल पाता है। सबसे पहला पॉइंट है विश्लेषण करना। आपको पता है जो व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार होता है वो हर बात को जांचता परखता है, फिर जाके कोई डिसीजन लेता है। और यही बर्ताव वो इंसानों में भी करता है। वो इंसानों को देखता है, जांचता है और तभी जाके उसके बारे में कुछ सोचता है। और इसी कारण, ज़्यादा विश्लेषण के कारण वो इंसान कभी कभार आपको सामने से ही रिजेक्ट कर देता है। इसी कारण 30 के बाद भी व्यक्ति सिंगल ही रह जाते हैं। दूसरा पॉइंट, प्यार का एहसास दिल से। आप लोगों को तो पता ही है प्यार का एहसास डायरेक्ट दिल से होता है, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान होता है वो अपने दिमाग से चलता है। उनके लिए ना दिल विल, ये फीलिंग ना कोई मायने नहीं रखता है। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति उन्हें पसंद करता है तो वो सोचता है ज़रूर इसके पीछे ना उसका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हो, चाहे वो निस्वार्थ भाव ही क्यों ना हो। इसी कारण से वो प्यार में पड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है। तीसरा पॉइंट, नज़दीकी बनाने में वक्त। जो बुद्धिमान होते हैं व्यक्ति वो हमेशा ना खुलकर नहीं बोलते हैं और हमेशा हिचकिचाते रहते हैं, स्पेशली प्यार के मामले में। वो अपनी फीलिंग कभी जाहिर नहीं कर पाते हैं और हमेशा ना आपसे दूरी बना के रखते हैं। और जब आप उनके साथ रहती हो तो वो हमेशा नज़रें चुराते रहते हैं और आपके पास आने से कतराते हैं। चौथा पॉइंट, सावधानी बरतना। आपको तो पता ही है कि प्यार में लड़ाई झगड़ा तो आम बात है लोगों के लिए, लेकिन जो ज़्यादा समझदार व्यक्ति होता है वो हमेशा ना बहुत सावधानी बरतता है और उसके वजह से उसका प्यार बहुत दूर जाने लगता है। पांचवा पॉइंट, अकेले रहना। जो व्यक्ति ज़्यादा मैच्योर और इंटेलिजेंट होता है वो हमेशा अपने आप में ही रहता है, उन्हें कभी किसी पार्टनर ढूंढने की ना ज़रूरत ही नहीं समझते। सिक्स पॉइंट, बोरिंग होना। जो व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार होता है वो बहुत बोरिंग और नीरस होता है। जब भी वो किसी से मिलते हैं केवल अपने ज्ञान की बातें शुरू करते हैं और उसके वजह से सामने वाला व्यक्ति उनसे कटना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि 30 के बाद व्यक्ति हमेशा सिंगल क्यों रहता है। और हाँ, 30 के हो चुके हो तो आप अपना नेचर चेंज कीजिए और पार्टनर ढूंढने की तलाश कीजिए। और हाँ, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी मोड पे आपका अपना पार्टनर मिल ही जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।